देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एसके इंडिया न्यूज। साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। कोविड 19 फ्रंटलाइन वर्कर्स टीकाकरण अभियान के पांचवे चरण में पुलिस कर्मियों के टीकाकरण अभियान में 82 के सापेक्ष 73 पुलिस कर्मियों को टीकाकरण कराया गया, जिसमें कोतवाल शरद कुमार सहित सभी पुलिस कर्मियों एवं महिला आरक्षी भी शामिल है। वहीं क्षेत्राधिकारी महाराजगंज ने विगत 3 दिन पहले रायबरेली में अपना कोविड 19 टीकाकरण करवा लिया था। खास बात यह रही कि किसी भी पुलिसकर्मी को टीका लगने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई। सभी हंसते मुस्कुराते टीका लगने के आधा घंटा सीएचसी में बिताने के बाद वापस थाने लौट आए। आपको बता दें कि पूर्व नियत कार्यक्रम के तहत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस विभाग को लगाया गया टीका। टीकाकरण अभियान के प्रभारी अधीक्षक डॉ राधाकृष्णन ने बताया कि 82 में से 73 पुलिस कर्मियों का टीकाकरण आज हो गया है, जिसमें कोतवाल शरद कुमार भी शामिल है। इस मौके पर डॉक्टर रिजवान ACMO, डॉक्टर प्रवेश श्रीवास्तव, अनिल कुमार श्रीवास्तव चीफ, डॉक्टर भावेश यादव, डॉक्टर PK श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिल कुमार भारद्वाज, डॉ शिवेंद्र मिश्रा, डॉक्टर अकील चीफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट हरीश श्रीवास्तव, सुनील सिंह वार्ड बॉय, सुमित वार्ड बॉय, शिवाकांत BCM, विष्णु श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। हम SG धर्मेंद्र कुमार दीक्षित, 57 बसरावा जी। कोविड 19 वैक्सीनेशन होना था तो हो गया आपका? जी हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं कोई दिक्कत। लगभग कितना टाइम हो गया लगे हुए आपको? 10 मिनट करीब हो गया। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं महसूस कर रहे हैं? कोई परेशानी। फिट हैं जी। क्या संदेश देंगे लोगों को, अपने अपने विभाग की टीम को क्या संदेश देंगे? हमारी टीम लगभग लगवा चुकी है, जो बचे हैं वो भी ड्यूटी से छूट देंगे तो लगवा लेंगे। जी जी, थैंक यू। हमारी वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इनकेस अगर आपको कोई परेशानी महसूस होती है तो जो कार्ड आपको दिया जा रहा है उसमें हमारे डॉक्टर साहब का नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। हेल्पलाइन नंबर हमारा 104 है, आप उस पर भी बात कर सकती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको 30 मिनट तक हमारे ऑब्जर्वेशन रूम में वेट करना है, वहाँ पर एंट्री करवानी है, आप उसके बाद ही जाइएगा। फर्स्ट डोज लग रही है, सेकंड डोज जब भी लगेगी आपके नंबर पे आपको मैसेज जाएगा। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात और भी है कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी जो भी सारे रूल्स आप लोग कोविड 19 से रिलेटेड फॉलो कर रहे थे, मास्क पहनना, दूरी मेंटेन रखना, अभी भी आपको आगे भी चलकर ऐसे ही रहना है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। हाँ, हेड ट्रांसमिटर शुक्ला थाना महाराजगंज जी। शुक्ला जी, वैक्सीनेशन हो गया कोविड 19 का आपका? हाँ हो गया। हो गया कि लगभग कितना टाइम हुआ है? अरे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं महसूस कर रहे? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम। बिल्कुल फिट है? हाँ फिट है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। हाँ, मैं सब इंस्पेक्टर आशीष तिवारी, चौकी थलवासा। आशीष जी, वैक्सीनेशन हो गया आपका? हाँ वैक्सीनेशन। तो कोई दिक्कत तो नहीं महसूस कर रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा रेस्ट के लिए बोला है। तो लगभग कितना समय हो गया आप? 15 मिनट हो गया है। 15 मिनट हो गया और समय। बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? हाँ हाँ, अभी तक तो कोई नहीं। थैंक यू सर। कोविड 19 को लेकर वैक्सीनेशन हो रहा है जी, तो आज किसको लगाया जा रहा है और आगे क्या प्रोसेस है? आज 18 तारीख को मैं यहाँ महाराजगंज में बैठा हूँ। आज के दिन हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन हो रहा है पूरे जनपद में, जहाँ जहाँ पे हैं जी। फ्रंट लाइन वर्कर्स में हमारे पुलिस विभाग है, पंचायत विभाग है, रेवेन्यू विभाग है, नगर पालिका विभाग है, इत्यादि जो है इनको आज वैक्सीनेशन हो रहा है। तीसरा चरण है जी, और इसके बाद जो छूटे हुए होंगे इनका फिर 22 तारीख को इनका मॉक टेस्ट होगा, जो है छूटे हुए को 22 तारीख हो जाएगा जी। अभी तक जिनको लगाया गया है, जिनको वैक्सीनेशन हुआ है जी, उनमें किसी पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई किसी को। थोड़ा बहुत ऐसे बुखार आ जाता है, क्योंकि वैक्सीन की वजह से नॉर्मल है, उसको पैरासिटामोल दे दिया था, उससे सब सही हो जाता है। कोई हमारे जनपद में इस तरह कोई वो नहीं जी। कोविड 19 को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोविड 19 के लेकर मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन है, बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग वैक्सीनेशन लग रहा है, जिससे कि इससे बचाव हो सके जो है, और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वैक्सीन बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है। ये सभी लोगों से हमारी गुजारिश है, जिसका इसका नाम है, जाकर के केंद्र पर इसका वैक्सीनेशन कराएं। थैंक यू सर।